हमारे गाने भोजपुरी के जितने गाने चलते हैं ना कि उतने ज़्यादा मूवी नहीं चलती है, तो क्या इसका कारण है कि जैसे कि पहले फरिश्ते चली, अब आज सूर्यवंशम चल रही है, निरहुआ हिंदुस्तानी 4 चल रही है, उस प्रकार से ही मूवी चलनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे का कारण क्या नहीं चलता? निरहुआ हिंदुस्तानी 4 हमने लंदन में शूट किया था जी सर, उसमें भी फादर ही था मैं जी जी तो वही है, दर्शकों को कौन सा सिनेमा कब पसंद आ जाए कुछ नहीं कह सकते इसका। दोस्तों स्वागत है आपका काश श्रीवास्तव ऑफिशियल में। आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही प्यारे एक्टर हैं अमित शुक्ला सर। जैसे कि आपने पिछले कई पिक्चर में देखा होगा, अभी भैया का हाल फिलहाल एक मूवी आई थी फरिश्ते, तो चलिए सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं? बस बढ़िया। तो जो अपकमिंग फिल्म आ रही है आपकी रोजा, तो उसके बारे में क्या कहना है? रोजा एक अच्छी कहानी पे बुनी गई है, एक सामाजिक मुद्दों पे जी, और एक लड़की के संघर्ष की कहानी है जी। और कई बार गार्जियन अपनी पुरानी विचारधारा को बच्चों पे थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें यही मानना पड़ेगा यही करना, लेकिन उससे आगे चल के क्या तकलीफें होती हैं जी। तलाक का मुद्दा भी है जिससे कई लड़कियां बाद में परेशान होती हैं जी, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखिए फिल्म बनाई जा रही है। और भैया आपका क्या किरदार है इस मूवी में, मतलब आप क्या नया करने वाले हैं इस मूवी में? या मैं इसमें वही थोड़ा सा पुरानी विचारधारा का स्ट्रिक्ट एकदम खड़ूस फादर हूँ जी जी जो बेटा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जी और लड़कियों को थोड़ा दबा के रखते हैं, उस तरह का फादर हूँ। और सर ये मूवी कब तक हम दर्शकों को देखने को मिलेगी? मे बी 3 से 4 महीने में जी। सर आप अपने आने वाले 5 साल कहाँ देखते हैं, मतलब इस मुकाम पर आप पहुँच गए हैं तो आप आने वाले 5 साल कहाँ देखते हैं? मैं सेटिस्फाइड नहीं होता मेरी, जैसे शाहरुख खान साहब ने बोला था कि उनसे अनुपम सर ने बोला पूछा था कि अब तो आप स्ट्रगल टाइम के टाइम क्या सोचते थे कि मैं स्टार और अच्छा एक्टर बन जाऊँ और आज आज पूरी दुनिया में बादशाह के नाम से जाने जाते हैं कि शाहरुख खान किंग जी, सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, ये है वो, तो आप सेटिस्फाइड हैं? तो बोला मैं कभी खुश होता ही नहीं हूँ, कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मिल गया। तो वैसे ही मैं जितना चाहता हूँ और जितना वेरिएशन और जीना चाहता हूँ किरदारों में, वो सब कुछ अभी नहीं मिला है। तो मैं सर आप अपना आइडल किसे मानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी? मैं मतलब थिएटर करने आया था, तो मैं तो वैसे बचपन से स्टेज करता आया, बट थिएटर करने दिल्ली जब आया था तब मनोज भैया, मनोज वाजपेयी जी आइडियल रहे हमेशा से, उन्हीं से इंस्पायर होकर आया। और उसके बाद एक मोइन अख्तर साहब हैं जो मरहूम गुजर गए जी, तो क्योंकि मैं उनको सबसे ज़्यादा वेरिएशन वाला एक्टर मानता हूँ। अच्छा, आप लोग टाइप करेंगे तो वर्ल्ड सिनेमा में फेमस हैं वो जी सर, तो उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ जी। और सर जैसे कि आजकल जितनी भी पब्लिक है वो रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है ना कि ज़्यादा बनावटी में, और जितने कि हमारे गाने भोजपुरी के जितने गाने चलते हैं ना कि उतने ज़्यादा मूवी नहीं चलती है, तो क्या इसका कारण है कि जैसे कि पहले फरिश्ते चली, अब आज सूर्यवंशम चल रही है, निरहुआ हिंदुस्तानी 4 चल रही है, उस प्रकार से ही मूवी चलनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे का कारण क्या नहीं चलता? निरहुआ हिंदुस्तानी 4 हमने लंदन में शूट किया था जी सर, उसमें भी फादर ही था मैं जी जी, तो वही है, दर्शकों को कौन सा सिनेमा कब पसंद आ जाए कुछ नहीं कह सकते, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो अगर सिनेमा कोई पसंद आ रही है हमारी इंडस्ट्री की और दर्शक देख रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है जी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे अमित शुक्ला भैया, अमित शुक्ला सर बहुत ही अच्छे एक्टर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इस वीडियो पर आपकी राय हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।